दोस्तों, दिस इज डॉक्टर उपेश सिंह और आज के मनी शो के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने वाला हूं जहां 2024 में आप अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करेंगे। साथियों, एक ऐसी कंट्री जहां 30% रूल का बिजनेस करेंगे, मैं वहां की खूबियां भी बताऊंगा, वहां की कमियां भी बताऊंगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कैसे आप अपने बिजनेस को नेशनल बिजनेस से इंटरनेशनल बिजनेस बनाएंगे, कैसे आप एक इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करेंगे और कैसे आप अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करेंगे। आज के वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, सबसे बड़ी चीज क्या है, किसी भी कंट्री के बारे में जानने के लिए ना आपका वहां होना जरूरी है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं इथियोपिया के बारे में। आप सभी जानते हैं, मेरे पुराने वीडियो में देखा है आपने, मैं बहुत सारी कंट्रीज में काम करता हूं, उनमें से इथियोपिया मेरी सबसे नंबर वन कंट्री है। क्योंकि जब मैंने 27 साल की एज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैं इथियोपिया ही गया था। और साथियों, ना केवल मैं इथियोपिया गया, मैं सबसे ज्यादा काम इथियोपिया में किया। एक ऐसी कंट्री जहां आप अगर टूरिस्ट के तौर पे भी जाएंगे तो पुलिस वाला आपको सैल्यूट करेगा, और आप जब मार्केट में जाएंगे अगर मैन है तो कोई आपको शाहरुख बोलेगा, वीमेन है तो कोई रवीना बोलेगा, लोग इतनी इज्जत करेंगे आपकी। ऐसी कंट्री जहां उनको सालों से इंडियन प्रोफेसर्स के जरिए पढ़ाया जाता है। दोस्तों, इथियोपिया एक बहुत प्यारी कंट्री है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इथियोपिया में हम कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं और कौन सा बिजनेस हमें नहीं करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। क्योंकि मेरे बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन होते हैं कि सर, हम इथियोपिया में क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या वहां से हम क्या इम्पोर्ट करते हैं, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग वहां लगा सकते हैं, किस तरह की माइनिंग हम वहां लगा सकते हैं, कैसी कंट्री है, क्या हम वहां सेफ है कि नहीं है, क्या डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सही है कि नहीं है। साथियों, इथियोपिया एक बहुत प्यारी कंट्री है, इतनी अच्छी कंट्री है, जब आप वहां जाएंगे ना आपका दिल लग जाएगा और निकल के आने की इच्छा नहीं होगी। नंबर वन साथियों, वेदर बहुत प्यारा है। अब जब इथियोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा में आप जाएंगे तो वहां का वेदर शिमला जैसा वेदर होता है, जो आपको सीलिंग फैन और एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, इतनी प्यारी कंट्री है, यानी वेदर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। इथियोपियन लोग अमहारिक, जो उनकी लैंग्वेज उसमें बात करते हैं, उनका फूड भी बहुत अच्छा है, उनकी हैबिट्स भी बहुत अच्छी हैं, और हर आदमी आपको रेस्पेक्ट लेके बात करेगा। क्या बिजनेस कर सकते हैं इस कंट्री में, आपने मेरे पहले भी कई वीडियो देखे हैं इथियोपिया के बारे में, क्या डिफरेंस है उन वीडियो में और इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इथियोपिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या कमियां भी हैं जो आपको नहीं करनी। बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो मैंने भी किए हैं, और आप कैसे वहां करके बिलियन ऑफ डॉलर कमा सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैंने इथियोपिया में लंबे टाइम काम किया है। साथियों, जब हम इथियोपिया की बात करते हैं, इथियोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा, बहुत प्यारी सिटी है, बहुत प्यारे लोग हैं, और साथियों सबसे बड़ी चीज क्या है, सेफ सिटी है। जो इसकी कैपिटल सिटी है वहां ज्यादातर लोग रहते हैं, क्योंकि पूरे जो कंट्री के लोग हैं वो हर कैपिटल सिटी में बिजनेस करने आना चाहते हैं। इथियोपिया के अंदर लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग अमहारिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो पूरी कंट्री में प्रॉपरली बोली जाती है। मतलब आप अगर सोचें कि हम वहाँ जाएंगे और बिजनेस रन करेंगे और हम इंग्लिश में काम चला लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल कब है, जब आप सिटी में काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपकी फैक्ट्री दूसरी सिटी में है, आपको अपने लेबर से डिस्कशन करना है, आपका माइनिंग प्रोजेक्ट माइंस में है, वहाँ आपको जाना आना है विलेज के लोगों से और वहाँ के चीफ से बात करना है, दोस्तों उन सब के लिए ना आपको वहाँ की लैंग्वेज अमारी आनी चाहिए। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली सीख सकते हैं। साथियों, इथियोपिया की कैपिटल अदीस अबाबा की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर इकोनॉमिकल जोन अदीस अबाबा के आसपास ही हैं, जैसे कि बाहेरदार जो कि एक सिटी है इथियोपिया से दूर, क्योंकि इथियोपिया की जो कैपिटल अदीस अबाबा से दूर। साथियों, क्योंकि इथियोपिया एक बड़ी कंट्री है, इथियोपिया का एक बॉर्डर जिबूती कंट्री से लगता है, एक बॉर्डर केनिया से लगता है, एक बॉर्डर इथियोपिया का इरिट्रिया से लगता है। साथियों, इथियोपिया एक बड़ी कंट्री है, 10 करोड़ से ऊपर की बड़ी पॉपुलेशन का मार्केट है। तो जैसे कि मैं बाहरदार की बात कर रहा था, इथियोपिया से दूर सिटी है, एक इकोनॉमिकल जोन उन्होंने वहाँ भी बनाया है, एक जो इनकी अदीस अबाबा कैपिटल से दूर है। साथ अदीस अबाबा कैपिटल से दूर दूसरी सिटी का नाम है हवासा, इन्होंने वहाँ भी इकोनॉमिकल जोन बनाया है। इन्होंने इकोनॉमिकल जोन बनाए हैं बहुत सारी दूसरी सिटीज में भी, क्योंकि ये पूरे देश को डेवलप करना चाहते हैं। आज के टाइम पे साथियों, इथियोपिया मैन्युफैक्चरिंग का हब है। आज आप देखेंगे इंडिया की बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे कि रेमंड, अरविंद टेक्सटाइल, भूषण स्टील, आरती स्टील या बहुत सारी
अदर कंपनीज भी इथियोपिया के मार्केट में एंटर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग का हब है, डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, एक अकेली कंट्री अफ्रीका में एक अच्छी खासी पॉपुलेशन लेके बैठी हुई है, आपको नेबरिंग कंट्रीज को री एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इथियोपियन मार्केट को ही कवर कर लेंगे तो बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब नंबर वन पॉपुलेशन, नंबर टू बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा एरिया है, आपको बहुत सारे इकोनॉमिकल जोन्स मिल रहे हैं, आप अपने हिसाब से चूज करके अपनी यूनिट लगा सकते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बहुत बेस्ट कंट्री है साथियों। अब इथियोपिया की बात कर रहे हैं हम लोग, इथियोपिया की कैपिटल की बात कर रहे हैं, इथियोपिया के इकोनॉमिकल जोन्स की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक रेट क्या है। साथियों सबसे बड़ी और खुशी की बात क्या है, इथियोपिया मैन्युफैक्चरिंग का हब है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक रेट पूरे अफ्रीका में सबसे कम है। जब आप वहां इकोनॉमिकल जोन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो आपको बहुत ही सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, क्योंकि हर फैक्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत है, कंट्री सेफ भी होनी चाहिए, कंट्री के अंदर पॉपुलेशन भी होना चाहिए, मार्केट बड़ा होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा वहाँ वाटर किस लेवल का है। अगर हम इथियोपिया की बात करते हैं, वहाँ वाटर लेवल बहुत अच्छा है और पूरी कंट्री में कहीं भी आप चले जाइए आपको बहुत अच्छे लेवल से वाटर मिल जाएगा, यानी कि ईजिली आपको वाटर बोरहोल्स के थ्रू या गवर्नमेंट की सप्लाई के थ्रू मिल सकता है। नंबर वन थिंग, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, वो भी यूजफुल थिंग है। इकोनॉमिकल जोन इन्होंने इतने अच्छे तरीके से डेवलप किए, चाहे अदीस अबाबा का इकोनॉमिकल जोन हो, चाहे बाहिरदार का इकोनॉमिकल जोन हो, चाहे हवासा का इकोनॉमिकल जोन हो, साथियों इन्होंने सारे इकोनॉमिकल जोन्स को इतने अच्छे तरीके से डेवलप किया है कि वहां आप इजीली अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। आपको रेडीमेड सेट्स से लेकर आपके लिए लैंड अवेलेबल है, जहां आप गवर्नमेंट से लीज लेकर अपनी खुद की फैक्ट्री की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, पॉपुलेशन भी है, वाटर की कोई कमी नहीं है, तो किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग लगानी चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के साथियों। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें इथियोपिया में हमेशा उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग लगानी है जो प्रोडक्ट इथियोपिया में हम बनाएं उसका रॉ मेटेरियल वहीं मिलना चाहिए। क्यों? आपका क्वेश्चन हो सकता है क्यों भाई इथियोपिया में ऐसी यूनिट क्यों नहीं लगाएं कि इसका रॉ मेटेरियल हम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी मंगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इथियोपिया में एक ऑब्स्टिकल है, इथियोपिया के अंदर जब हम बात करते हैं यूएस डॉलर्स की बहुत शॉर्टेज है, उनका जो पॉलिसी है बहुत स्ट्रिक्ट है साथियों। तो इथियोपिया में जब हम काम करेंगे तो हमें ऐसा प्रोडक्ट चूज करना उसका रॉ मेटेरियल वहीं है, क्योंकि अपने को रॉ मेटेरियल मंगाना नहीं है और बार बार डॉलर में पेमेंट भेजना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मानिए आप पीवीसी पाइप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इथियोपिया में लगाते हैं या वाटर टैंक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इथियोपिया में लगाते हैं, तो इथियोपिया में बहुत सारे अदर इस सेगमेंट की कंपनीज लगी हुई हैं, अच्छा बिजनेस कर रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है साथियों, अगर हम ये यूनिट्स लगाते हैं तो हमें ऑब्वियसली प्लास्टिक का बुलेट, प्लास्टिक के दाने इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। इम्पोर्ट करने का मतलब है इथियोपिया से हमने उस सामने वाली कंट्री में जहाँ से रॉ मेटेरियल मंगाना है हमको वहाँ पर डॉलर्स में पेमेंट भेजना पड़ेगा, और इथियोपिया के फॉरेन रिजर्व में डॉलर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं नहीं जानता अभी या आने वाले 2 साल या 4 साल बाद में क्या होगा, मैं करंट सिनेरियो आने वाले 6 महीने से लेके 1 साल की बात कर रहा हूँ कि वहाँ के फॉरेन रिजर्व में डॉलर्स की प्रॉब्लम है, तो ये हमें डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। तो हमें क्या करना है, ऐसी यूनिट लगानी है जिसका रॉ मेटेरियल नहीं मंगाना है, मंगाएंगे तो हमें डॉलर में पेमेंट बाहर भेजना पड़ेगा, और जब हम बैंक में अप्लाई करेंगे तो वहाँ डॉलर्स नहीं है, और अगर वहां पे डॉलर्स नहीं है तो हमारा बिजनेस स्टक हो जाएगा। हमें एक एक दो दो तीन तीन महीने रॉ मेटेरियल के नाम पर वेट करना पड़ेगा, और यही कारण है भूषण स्टील, आरती स्टील जैसी कंपनीज वहां सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जब मार्केट में आती हैं और किसी भी तरह की, ये तो बड़ी कंपनीज है, छोटी छोटी कंपनीज आती हैं जिनका रॉ मेटेरियल इम्पोर्ट करना होता है और आप उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं है, आप मार्केट में माल बेच रहे हैं, लोकल करेंसी में पेमेंट आ रहा है लेकिन बैंक में जा रहे हैं उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं और रॉ मेटेरियल मंगाना चाहते हैं, नहीं मिल रहा है। वो केवल उन लोगों को मिलता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इथियोपिया में है, जिसको हम इथियोपियन मार्केट में उतार रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर हमने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है तो 50 लाख तक के हमें डॉलर्स मिल सकते हैं, यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे और उससे जो इनकम आएगी उसका 50% तक आप अपना रॉ मेटेरियल मंगाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो साथियों सबसे बड़ी बात क्या है, जब डॉलर्स की प्रॉब्लम है
तो हम उस चीज में जाएं क्यों? हम ऐसी कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, ना पीवीसी पाइप की लगाएंगे, ना वाटर टैंक की लगाएंगे, ऐसी कोई यूनिट नहीं लगाएंगे जिसका रॉ मेटेरियल हमें इंपोर्ट करना है। हम कैसी यूनिट लगाएंगे? जूस मैन्युफैक्चरिंग, मिल्क मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग, शूज मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इथियोपिया के अंदर लेदर बहुत अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है। साथियों हम वहां टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, हम ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां लॉन्च करेंगे जिनका रॉ मेटेरियल वहां मिल रहा है और दुनिया की सबसे सस्ती चीप वर्कफोर्स हमें वहां मिल रही है। तो इथियोपिया हमारे लिए एक अच्छा मार्केट है कि नहीं है? बहुत अच्छा मार्केट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज अगर आपने सीखी तो क्या सीखी? आपने सीखा कंट्री सिलेक्शन के साथ मैन्युफैक्चरिंग में हमें ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है जो वहीं मिल जाए हमें, जिसका रॉ मेटेरियल वहीं मिल जाए और डोमेस्टिक मार्केट में जाए, बाद में हम उसको एक्सपोर्ट भी करें, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रॉ मेटेरियल कंट्री के अंदर मिलना चाहिए, जैसे कि मिनरल वाटर मैन्युफैक्चरिंग। तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है साथियों, हम हमारे मिलेनियर प्रोग्राम आपको बताते हैं किस किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, कितना टैक्स होल्ड होगा, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करेगी। अगर हम इथियोपियन गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करते हैं, 5 से 10 साल इथियोपियन गवर्नमेंट आपको टैक्स होल्डे देती है, वहां के डोमेस्टिक बैंक आपकी फैक्ट्री के लिए अप टू 50% प्रोजेक्ट फाइनेंस करके दे सकते हैं। और उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा होगा साथियों, जब आपको यूनिट लगा रहे हैं और उसकी बिल्डिंग आपको बनानी है, गवर्नमेंट का बैंक आपको सपोर्ट करेगा, प्राइवेट बैंक आपको सपोर्ट करेंगे। आप वो बिल्डिंग बना रहे हैं, रॉ मेटेरियल मंगाना है या प्लांट मशीन मंगानी है, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का 50% तक बैंक सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे साथी पूछते हैं, सर बैंक से वहां सपोर्ट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, 5 से 5 to 10 ईयर का टैक्स हॉलीडे मिल जाएगा, 10 करोड़ का मार्केट मिल जाएगा, और हर चीज ऐसी हम लॉन्च करेंगे जिसका रॉ मेटेरियल हमें वहां मिल जाएगा। तो साथियों हमें डॉलर्स की जरूरत नहीं है, हमें अपना बिजनेस रन करना है, डोमेस्टिक मार्केट में बेचना है, आफ्टर द ईयर ऑफ द एंड प्रॉफिट टैक्स भर के एक नंबर में हमारे देश हिंदुस्तान में पेमेंट मंगाना है। साथियों जब हम इथियोपिया की बात करते हैं, बहुत सारी एनर्जी आती है क्योंकि वंडरफुल कंट्री, नंबर वन जैसा कि मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग, नंबर टू माइनिंग, गोल्ड माइंस में आप जा सकते हैं, गोल्ड के अंदर top 10 countries में अफ्रीका में इथियोपिया आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लैंड अवेलेबल हैं जहां हम आपको ज्वाइंट वेंचर में अक्वायर करने में या डायरेक्ट गवर्नमेंट से लेने में हेल्प कर सकते हैं। गोल्ड के अलावा इथियोपिया फेमस है ब्लू सफायर के लिए, यानी कि एमरल्ड्स, ब्लू सफायर, इस तरह के बिजनेस में अगर आप इनकी ट्रेडिंग करते हैं तो भी इथियोपिया अच्छा है, और अगर आप इथियोपिया के अंदर इनकी माइनिंग डालना चाहते हैं तो मैं यहां बैठा हूं आपका सपोर्ट करने के लिए, हर तरह की माइनिंग डलवाने के लिए। तो साथियों ना केवल हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डलवाने में हेल्प करते हैं विद टैक्स हॉलीडेज, हम आपको माइनिंग कंपनीज डलवाने में हेल्प करते हैं विद टैक्स हॉलीडेज एंड बेटर प्लानिंग। साथियों माइनिंग में भी इथियोपिया बहुत रिच है और बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत सारे मार्केट इनके स्टिल अनटैप्ड मार्केट में आते हैं। अब इथियोपिया मैंने जैसे बताया, पर इथियोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा से जिबूती 1000 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। जिबूती वहां का मेन पोर्ट है जहां से माल आता है, जिबूती दूसरी कंट्री है, और जिबूती के अंदर इनका पोर्ट है, वहां से इनका बाई ट्रेन, बाई रेल रोड, और हम बात करें बाई रोड माल आता है। अब आप समझिए एक बात को, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, प्लांट मशीनरी मंगा रहे हो या कोई भी चीज मंगा रहे हो, तो आप जिस रूट को यूज करेंगे क्या वो रूट अच्छा है? साथियों जब मैंने इथियोपिया में वर्क किया था उस टाइम पूरी कंट्री के अंदर रेल रोड नहीं था, कैपिटल सिटी अदीस अबाबा के अंदर मेट्रो नहीं थी, इथियोपिया के अंदर हाईवेज नहीं थे। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं 2023 के एंड की बात कर रहे हैं हम, तो इथियोपिया से की कैपिटल अदीस अबाबा से लेकर जिबूती तक रेल रोड बना हुआ है। आप जितना गुड्स चाहे रेल के जरिए मंगा सकते हैं, साथ साथ में वहां तक एक्सप्रेस वे बना हुआ है जो चाइनीज कंपनी ने बनाया, बहुत शानदार एक्सप्रेस वे है जहां आप बहुत फास्ट स्पीड के साथ अपना माल जिबूती टू इथियोपिया मंगा सकते हैं, यानी कैपिटल सिटी अदीस अबाबा में, या फिर अदीस अबाबा से जिबूती भेज सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए। साथियों और बड़ी बात बताता हूं, ये तो कनेक्टिविटी होता है, कैपिटल अदीस अबाबा के अंदर इन्होंने मेट्रो लॉन्च की हुई है, यानी कि एक ऐसी कंट्री जहां मेट्रो भी चल रही है। इथियोपियन एयरलाइन पूरे वर्ल्ड में कनेक्टिविटी देती है और अफ्रीका की नंबर वन एयरलाइन है साथियों, जो अफ्रीका के हर कंट्री को कनेक्ट करती है। अगर अफ्रीका में आपको बेनिन, टोगो, सेनेगल, सियरा लियोन कहीं भी जाना है,
तो इथियोपियन एयरलाइन आपको कनेक्ट करती है, यानी कि वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइंस में इथियोपियन एयरलाइन आती है साथियों। यानी एयर कनेक्टिविटी अच्छी है, रेल कनेक्टिविटी अच्छी है, और अगर हम बात करते हैं आपको रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर इधर हम इथियोपिया का एक बॉर्डर मैंने आपको समझाया जो जिबूती से लगा है, अब साथियों हम दूसरे बॉर्डर की बात करेंगे। दूसरा बॉर्डर लगा हुआ है इरिट्रिया के साथ, टिग्रे बॉर्डर, वहां तक भी रोड कनेक्टिविटी बहुत प्यारी है। आपका भाई ओपेश सिंह कई बार गया है, मैंने वहां बहुत बड़े लेवल से काम किया है। मैं केनिया बॉर्डर जाने से लेकर जो कि इथियोपिया की सिटी हवासा, हवासा के बाद अरबाबिंच, और अरबाबिंच के बाद में आता है कीनिया बॉर्डर, मैं खुद गया हूं। जिबूती बॉर्डर तक मैं खुद गया हूं। और साथियों मैं आपको अपने उस एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं जो आपको कहीं भी किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम्स नहीं जानते। हम वहां रेगुलर काम करते हैं, हम एक एक प्रॉब्लम जानते हैं। साथियों मैं इरिट्रिया बॉर्डर तक भी कई बार गया हूं थ्रू टिग्रे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों बॉर्डर कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी है, मतलब एक अच्छी कंट्री जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज बहुत अच्छी तरह से डेवलप है। अब जब हम इथियोपिया में बिजनेस करते हैं, हर कंट्री में चले जाइए, आप फॉरनर हैं, प्रॉब्लम तो 101% आएगी साथियों। कैसे आती है, हमें भी आई है। जब मैं सबसे पहले वहां गया तो मैंने एक टैक्सी हायर करी, जब मैंने वो टैक्सी हायर करी तो उसने बोला सर मेरे देश में केवल दिन में गाड़ी चलाते हैं, रात में नहीं चलाते हैं। अब हिली कंट्री है, नियरली पूरी कंट्री हिली कंट्री है, तो दिन में बस 150 किलोमीटर चलता था, 150 किलोमीटर शाम को रोक देता था, तो मुझे 500 किलोमीटर जाने में 8 से 10 दिन लगे। लेकिन साथियों उसी कंट्री में मैंने 7 से 8 साल खुद ने गाड़ी चलाई। आप इंडियन, अगर इंडियन है और इंडियन पासपोर्ट होल्डर है तो वहां टेस्ट देकर इजीली इथियोपियन ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप रात में भी गाड़ी चला सकते हैं। इतनी सेफ कंट्री है, पूरी रात कहीं जाइए इधर से उधर नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप किसी से मिलेंगे उनके लिए फॉरनर है तो वो ऐसे ही बोलते हैं। हमारे यहां भी होता है, कोई फॉरनर आएगा तो ऑटो रिक्शे वाला जो हम लोगों से 80 रुपए मांगेगा उनसे 200 रुपए मांगेगा। ये पूरी दुनिया का फंडा है, अफ्रीका में हम खुद फॉरनर्स हैं साथियों। तो सबसे बड़ी चीज जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, इथियोपिया सेफ कंट्री है, रात में चलाइए, दिन में चलाइए, खुद का ड्राइविंग लाइसेंस लेके गाड़ी चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, कहीं आप जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया, मैं आपको कह सकता हूं साथियों इथियोपियंस के बारे में रेस्पेक्ट करते हैं, फॉरनर समझ के ना आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। जैसा कि आपको बहुत सारी अदर कंट्रीज में देखने को मिलेगा, जैसे घाना में जाएंगे या किसी और कंट्री में जाएंगे, ट्रैफिक वालों से लेकर बहुत सारी जगह करप्शन देखने को मिलता है। इथियोपिया के अंदर साथियों करप्शन सबसे कम है, ना केवल करप्शन कम है साथियों, ऐसी प्यारी कंट्री है जहां हर चीज आप सिस्टमेटिक तरीके से ले सकते हैं, लोग रेस्पेक्ट करते हैं। अगर हम इथियोपिया की बात करते हैं, ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, वो भगवान में बहुत विश्वास करते हैं। आप ट्रैफिक लाइट पे भी जाएंगे ना साथियों, बस के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, कोई डंडा लेके नहीं खड़ा रहता, उनकी दिल की इच्छा से वो सिस्टमेटिक रहना और सिस्टमेटिक चलना चाहते हैं। तो पहली बात, मैन्युफैक्चरिंग का हब है, रेमंड अर्थविन टेक्सटाइल, पार्ले जी और एशियन पेंट, या हम बात करते हैं यूनिलेवर की या किसी भी बड़ी कंपनी की, सब लोगों के लिए इथियोपिया एक बड़ा मार्केट है। अब बात करते हैं माइनिंग की, गोल्ड माइंस, जेमस्टोन माइंस, बहुत अच्छा मार्केट है। अगर हम बात करते हैं साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत अच्छी कंट्री है। क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपके भाई ने बहुत साल काम किया, बहुत इजी है कंपनी फॉर्मेशन करने का, उसके बाद में हमें डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन लेने का है। जो रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों वो कंट्री लेवल का होता है, बिकॉज हम फॉरनर्स हैं। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद जितने प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट आप लेके जाएंगे उनके ऊपर बनेगी बैंक गारंटी थ्रू लोकल बैंक, और उस बैंक गारंटी को देकर आप गवर्नमेंट से अप टू 30% एडवांस ले सकते हैं। मतलब सोचिए, आपको 10 किलोमीटर रोड का ऑर्डर मिला, इरिगेशन प्रोजेक्ट मिला, टनल का प्रोजेक्ट मिला, या ईपीसी का कोई भी प्रोजेक्ट मिला, आप जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट लेके आए जिनसे उनको आपको वो प्रोजेक्ट डेवलप करना है, लेकिन उन्हीं को बैंक में लेके आपने बैंक गारंटी बनाई और उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने आपको एडवांस दिया। हम हिंदुस्तान में काम करते हैं, अपना पैसा लगा के काम करते हैं,
फिर हमारा बिल पास कराने के लिए जाते हैं, कभी JEN के पास जाते हैं, कभी AEN के पास जाते हैं, कभी चीफ इंजीनियर के पास जाते हैं। हर कॉन्ट्रैक्टर दिल से जानता है कि मुझे अगर कोई बिड देनी है तो इसमें 10-15% कमीशन रहेगा। किस किस का कितना रहेगा, जूनियर इंजीनियर का इतना, उसका इतना, उसका इतना, उसका इतना, सब जानते हैं। अपना पैसा लगाकर हम लोग भीख मांगते हैं, क्योंकि हम अपना पैसा लगा के काम करते हैं और पेमेंट के लिए उनका चक्कर काटते हैं। लेकिन साथ ही इथियोपिया की खूबी क्या है, पैसा सरकार दे रही है, हम डेवलप कर रहे हैं और हम अपना पेमेंट इजीली ले रहे हैं और रेफरेंस बेस वर्क चलता है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, जिसकी रेट कम उसको टेंडर मिलेगा। अफ्रीका में क्या होता है, जो टेक्निकली स्ट्रांग है चाहे रेट ज्यादा है उसको टेंडर मिलेगा। तो अब आप टेक्निकल स्ट्रांग कंपनी है, सारे इक्विपमेंट आपके साथ है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ दूसरा प्रोजेक्ट रेफरेंस में मिल जाएगा। और आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में मैं बिजनेस करता हूं, बहुत सारी कंट्रीज में मैं FDI इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा हूं, सारी कंट्रीज में मैं आप जैसे भाइयों को लेके जा रहा हूं, तो मेरे पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत अच्छे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स लेने में। क्योंकि आप एक अच्छी कंपनी है, आप एक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, आपका दिल अच्छा है, आपका दिमाग अच्छा है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास फंड है, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, क्यों गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी। मजा आएगा साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में अगर आप इथियोपिया जाएंगे तो। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मेरे बहुत सारे साथी वेट कर रहे होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या है। दोस्तों अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इथियोपिया को चूज ही मत करना। इंडिया से आप इथियोपिया में एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इथियोपिया के अंदर डॉलर्स की प्रॉब्लम है, जो मैंने सबसे पहले बताया था। अब ज्यादातर जो वहां इंपोर्टर बैठे वो क्या सजेशन देंगे आपको, अंडर इनवॉइसिंग कर दो, दो नंबर में काम करो, बाकी पहले पेमेंट मैं कैश में भेज दूंगा, और आप एक काम करो अकाउंट टू अकाउंट कम पेमेंट ले लो, क्योंकि उनको कम डॉलर अरेंज करने पड़ेंगे। पर हमको ये काम नहीं करना, हमें अंडर इनवॉइसिंग साथियों नहीं करनी। इस वजह से हम इंडिया से इथियोपिया में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग लालच में क्या, ठीक है मैं इस मार्केट में एंटर करना चाहता हूं, वो लोग क्या करते हैं, माल भेजते हैं अंडर इनवॉइसिंग और उनका फाइनल पेमेंट आता ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला तो बाउंड है वो पेमेंट देने के लिए जो इनवॉइस के अकॉर्डिंग है। तो गलती नहीं करनी है, एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही बेकार मार्केट है, लेकिन इंपोर्ट के लिए बहुत अच्छा मार्केट है साथियों। चाहे पल्सेस इंपोर्ट करो, चाहे बहुत सारे अदर इक्विपमेंट इंपोर्ट करो, या कोई भी आइटम इंपोर्ट करो, इंपोर्ट में क्या आप डॉलर भेज रहे हो और वहां का एक्सपोर्टर इजिली माल दे सकता है। इथियोपियन कॉफी वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है, चाहे वहां से दाल पल्सेस मंगाओ चाहे कॉफी मंगाओ, वर्ल्ड बेस्ट मार्केट है। इथियोपियन कॉफी को वहां लोकल में बोलते हैं बुन्ना, बड़ा मजा आता है पीने में। और आप भी कभी जाइएगा तो विजिट कीजिएगा और बुन्ना का टेस्ट कीजिएगा। तो साथियों सबसे बड़ी बात क्या है, इंपोर्ट के लिए अच्छा मार्केट है, एक्सपोर्ट के लिए खराब मार्केट है, क्योंकि आपको कोई भी उतने डॉलर्स नहीं दे सकता जितना आपका अमाउंट है परचेज का, शिपमेंट का और प्रॉफिट का। वो लोग अंडर इन्वॉइसिंग पे मजबूर करेंगे और ये काम हमको नहीं करना है। तो इथियोपिया में मैं एक्सपोर्ट में ही जाना है, इंपोर्ट में जाना है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ओपेजी इथियोपिया जाके कंपनी खोल के स्टार्ट कर लें और अपना माल ले जाके होलसेलिंग कर लें। तो साथियों ये भी बताने वाला हूं, इथियोपिया के अंदर फॉरनर्स के लिए होलसेलिंग, रिटेलिंग और ट्रेडिंग अलाउ ही नहीं है, वो केवल इथियोपियंस के लिए है। अब हमारे साथी कई बार उनको लालच होता है, वो चाहते कि इथियोपियन मार्केट में एंटर कर लें और हम वहां जाके लोकल को पार्टनर कर लें। याद रखना, किसी और के खेत में ईंट का भट्टा लगाएंगे साथियों, किसी और के खेत में अगर आप कोल्ड स्टोर लगाएंगे दादागिरी उसी की चलेगी। जब भी अफ्रीकन कंटिनेंट में किसी भी कंट्री में हम एंटर करते हैं और लोकल को पार्टनर करते हैं, तो ये सोच के आना एक दिन सब छोड़ के आना है, वो चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूपी वाला राजस्थान में काम करे, राजस्थान वाला हरियाणा में काम करे, और हरियाणा वाला महाराष्ट्र में काम करे, और महाराष्ट्र वाला गुजरात में काम करे। जब जब आप लोकल को पार्टनर करेंगे आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। बेस्ट तरीका क्या है, हम लोग 100% ओनरशिप कंपनी बनाएं जो कि इथियोपिया में अलाउ है। इथियोपिया में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है $200,000, यानी कि $200,000 के अंदर आप 100% ओनरशिप कंपनी बना सकते हैं, और $150,000 के अंदर यानी $150,000 के अंदर हम लोग लोकल के साथ बना सकते हैं। वो 50,000 का अंतर हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आज के वीडियो से क्या समझे साथियों, पहली बात ये समझे रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, चाहे हवासा जाएं, चाहे बाहेरदार जाएं,
चाहे टिग्रे जाए, चाहे अरबा मिंच जाए, चाहे केनिया बॉर्डर जाए, चाहे जिबूती बॉर्डर जाए, चाहे इरिट्रिया बॉर्डर जाए, बहुत अच्छी कंट्री है। लोग वहां के बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, पुलिस आपको रेस्पेक्ट करती है, बहुत प्यारी कंट्री है। लोग होनेस्ट हैं, और होनेस्टी का कारण क्या है? जब लोग होनेस्ट है तो आप ये भी समझ जाइए, इथियोपियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट इरका बहुत ही टाइट है। हर 3 से 4 साल में जो भी कंपनी वहां जाती है, अगर वो सही ट्रेड नहीं कर रही है, कोई भी बिजनेस विद पेपर्स नहीं कर रही है, तो स्क्रूटनी आना 100% डिसाइडेड है। तो अपने को क्या करना है, जब गवर्नमेंट हमें सारे बेनिफिट दे रही है, टैक्स हॉलीडेज दे रही है, तो एक नंबर का पैसा बनाना है और प्रॉपर तरीके से काम करना है। तो सबसे बड़ी बात, मैन्युफैक्चरिंग का हब है, बहुत सारे इकोनॉमिकल जोन्स हैं, इलेक्ट्रिक रेट सस्ती है, वाटर इजीली अवेलेबल है, प्री सेड अपार्टमेंट्स रेडी, मतलब प्री सारे शेड्स रेडी हैं जहां आप अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। लिविंग के लिए कहीं भी सिटी में रह लीजिए, सेफ प्लेस है, बहुत प्यारी कंट्री है, लाइफ स्टाइल अच्छी है, अच्छे क्लब्स हैं, अच्छे पब्स हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, और आपको हर वेजिटेबल वहां पर मिलेगी। माइनिंग के लिए बहुत अच्छी कंट्री है, टैक्स हॉलीडेज है। अगर साथियों हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो इंपोर्ट के लिए अच्छी कंट्री है, एक्सपोर्ट हमें नहीं करना है। तो एक बहुत प्यारी कंट्री है, आप बिजनेस स्टार्ट करें। आप मुझे देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज में लोगों का बिजनेस हेल्प करते हुए। 2024 आ रहा है, याद रखिएगा साथियों, 2024 आ रहा है, ये साल आपका होना चाहिए, और आप इस साल इतिहास लिखने चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, केवल आपके अलावा। तो दिसंबर चालू हो चुका है, शुरुआत करें, लिख दें आपकी कहानी। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने मेरे कनेक्शन है, जितनी मेरी टीम है, सब जी जान से आपके साथ लग जाएगी आपका बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में। तो शुरू करें आपकी कहानी, कभी भी कॉल करें हमारी टीम को। वी आर ऑलवेज विद यू गाइस, सी यू सून।